कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी। कुछ तो सर आज सुबह से हम देख रहे थे तो क्या मार्केट खुल कर आया है सामने सर? प्याज की बाजार है भाई साहब, देखो नीचे में 30 रुपए, ऊपर में 50 रुपए। अच्छा जी, जो ढंग के माल सुपर प्याज सब 45 से 50 बिक रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा मीडियम 40-45, और जो हल्के गुलटे वगैरह ये माल है ये सब 30 से 40 रुपए बिक रहा तो सर आज 50 का तो कुछ कम देखने को मिले हैं है, लोग बिक सर। रहे हैं, कई लाट बिक गया आज 50 रुपए। बिल्कुल, माल भी कम था सर आज। हाँ आओ, माल काफी कम है आज, बताओ। बिल्कुल लगभग 10,000 के आसपास कट्टे बस बताए जा दस रहे हैं। हजार कट्टे तो आप लगा लो, नासिक की जो पूना लाइन की एक दो गाड़ियां हैं बिल्कुल ये भी बिल्कुल सब जोड़ने के बाद ही होगा 10 हजार बिल्कुल बिल्कुल कट्टे। सर। तो सर जैसे माहौल बन रहा है मौसम के द्वारा, तो ये हाँ लंबी तेजी में बदलने वाली देखो, अगर है। मौसम में ऐसे ही गड़बड़ रहा कुछ तो ये भाव टिकर रहेगा अभी, अच्छा जी, और अच्छा। मौसम खुल गया और वापस आमदनी बाजार में आई तो 2-4 रुपए नीचे भी जा तो सकता सर है। मौसम आज भी नहीं खुला, कल भी नहीं खुला था, अभी तो तो एक दो दिन मुझे दिक्कत नहीं लगता है आई, कि अभी तो कल एक दो आवक और दिन भी यही कमजोर भाव, हो जाएगी सर। हाँ 2-3 दिन यही भाव बना हुआ नजर आ रहा है, बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके सर, बाद अगर मौसम में साफ हो जाता है तो किसान, देखो प्याज है किसान के पास, फिर किसान प्याज निकालेगा, फिर बिल्कुल मंडियों में माल आएगा, पूरा भरपूर माल आएगा तो भाव नीचे जा सकता है। बिल्कुल लेकिन सर, अभी कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात या ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा बाजार को नीचे चला जाएगा, बाजार ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे मार्केट ऐसे ही रहेगी अभी। बिल्कुल। जैसे ये अभी 5-7 रुपए जो बढ़े हैं हाँ उसी इनमें तरह कोई यही एक दो डाउन तीन आएंगे रुपए सर। ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई बिल्कुल बड़ी बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सर। तो सर अभी अगर बात करें प्याज के प्रतिशत के, कितना प्रतिशत निकल गया सर? प्याज तो देखो लगभग लगभग देखो आधे से ज्यादा माल निकल गया, अलवर वाला भी आधा प्याज तो निकल जा चुका है, अच्छा जी, अच्छा, और जो अब आधा बचा हुआ उसको किसान थोड़ा आराम से भी लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये है और कोटा साइड वाला कोटा सर? साइड में भी देखो लगा हुआ ही कम था इस साल, प्याज 60% के आसपास माल लगा था, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें मेरे दिमाग से 30% माल तो उनका भी निकल गया है। 30% निकल गया है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और 30% सर के आसपास माल है जो किसान आराम आराम से ला रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है बिल्कुल, किसान कोटा का भी। की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है अलवर की बजाय सर। हाँ माल थोड़ा क्या है, ये किसान सुखा के लाते हैं अच्छा जी, और अच्छा, ग्रेडिंग भी अच्छी करके लाते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ इसकी डिमांड कहाँ रहती है, क्योंकि ये जूट वाले उसमें ये सब आता है? हमारे एरिया में बिकता ही, हरियाणा में भी जाता है, जाने को तो देखो सब जगह जाता है, अच्छा जी, क्वालिटी होनी चाहिए, माल तो ढेर होके बिकना है। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल पंजाब भी बिक जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दिल्ली पंजाब तो क्या अलवर से पूर्ति हो जाती है इसलिए माल उधर नहीं जाता है, बिल्कुल और ये किसान है तो किसान ही लेके आता है, व्यापारियों को तो माल होता नहीं है, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। किसान क्या ज्यादा लंबी दूरी पे जा नहीं पाता है, उसको भी कई तकलीफ होती है, वो घर से निकल गया फिर 2-3 दिन में घर पहुंचेगा, 4 दिन में, तो बिल्कुल सर, यहाँ जयपुर तक की सीमा ज्यादा पकड़ते हैं, जयपुर तक बेच के दूसरे दिन अपने सुबह घर पहुंच जाते हैं बिल्कुल वो। सर। आज जैसे मेरे हिसाब से कल वाला बाजार ही देखने को मिला है लगभग। हाँ बिल्कुल कल जैसे ही मार्केट है, हाँ, यहाँ आज कुछ 1-2 रुपए की 40 तेजी से भी पचास आई। रुपए के बीच में माल ज्यादा बिक रहे हैं, बिल्कुल अच्छे बिल्कुल प्याज सुपर प्याज 45-50 रुपए है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सर, प्याज कम नहीं है, 48-50 रुपए से नीचे कोई नहीं दे रहा अच्छा बिल्कुल। प्याज। और आज सुनने में आया है कि दिल्ली में भी लगभग 2,200 रुपए हाँ के बिक गया सामने होगा, बिका है। दिल्ली में आमदनी बहुत कम है, बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी अपनी डिमांड है क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है। तो बड़ी सर बड़ी सिटी है। सही बात है सर। और बात करें जैसे अभी गुजरात वाला है और नासिक वाला है, ये आज भी धीरे वापस धीरे शुरू हो गुजरात रहा में है। भी थोड़ी आमदनी ठीक आई है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 2 दिन तो थोड़ी आमदनी कम थी, वहां भी बारिश की वजह से आज थोड़ा माल वापस वहां भी सही आया है। लेकिन यादव जी अभी सभी जगह भाव देखो, वहां पीछे की मंडियों में भी भाव 40-45 रुपए हो गया वापस, अच्छा जी, जो अच्छा, प्याज वहां पर पहले 30-35 बिका फिर 35-40, आज 40 से 45 रुपए अच्छा जी, अच्छा, बाजार है। गुजरात की मंडियों में भी प्याज 35-36 रुपए से लेके 43-44 रुपए तक बिका है आज। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यानी अभी माहौल ऐसा ही रहने वाला है फिलहाल। हाँ अभी तो देखो कोई भी प्याज होगा तो उसका अच्छे माल का 45 से 50 रुपये पड़ता हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों को घबराने वाली तो नहीं बात नहीं कोई भी कोई तो नजर नहीं घबराने आ वाली रही है कोई सर। स्थिति नहीं है, और माल को बढ़िया करके सुखा के लाना चाहिए, मंदी नहीं आएगी अभी इतनी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल, प्याज को बढ़िया क्वालिटी, जितना किसान बढ़िया क्वालिटी करके लाएगा उतना अच्छा पैसा मिलता है किसान को। बिल्कुल ये सर। है ठीक है सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं सर। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, 98-293-77-352, दूसरा नंबर है 94-140-57-352, गुलशन ओनियन कंपनी, A12 मोहना मंडी जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। तो ये था आज का ताज़ा अपडेट। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।